YouTube चैनल। पिछली वीडियो में आपने सीखा था टेंसेस के बारे में कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली आपने पूरा एक टेंस का कॉन्सेप्ट सीखा था। अब चलते हैं हम प्रेजेंट टेंस की तरफ। प्रेजेंट टेंस बेसिकली फोर टाइप्स के होते हैं, आपको बता चुका पहले भी। प्रेजेंट टेंस फोर टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। इंडेफिनिट आप नाम से समझ गए होंगे, ये पक्का नहीं है कि काम पूरा हो चुका है या काम चल रहा है, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, आखिर आप कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है और ता हूं। यानी कि वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है और ता हूं आता है तो आप वहां से पहचान लेना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे? बच्चा खेलता है, लास्ट में क्या आया? ता है। सीता हंसती है, ती है आया। हम स्कूल जाते हैं, ते है आ गया। ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। आप इस तरह से पहचान सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आगे चलते हैं, इसका यूज कहां करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है हैबिट्स को बताने के लिए, हमारे रूटीन को बताने के लिए, जनरल ट्रूथ या फिर फैक्ट्स को बताने के लिए और अबिलिटीज को बताने के लिए। देखो किसी भी टेंस को करने के लिए कोई ना कोई रूल होगा, ठीक है। तो रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो पॉजिटिव वे में होते हैं, ठीक है। इसका रूल है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता, जो काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूं तो काम कौन कर रहा है? मैं। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गया फिर? मैं, ठीक है। सीता हंसती है तो हंस कौन रहा है? सीता। तो सीता हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, सीता हो जाएगी सब्जेक्ट। वर्ब, वर्ब का मतलब है क्रिया, यानी कि क्या काम हो रहा है, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ाना। सीता हंसती है, इसमें काम क्या हो रहा है? हंसना, ठीक है। SES के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर वर्क हो रहा है, जैसे कि राम स्कूल जाता है तो यहाँ पर स्कूल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और जाना हो जाएगा हमारी वर्क, ठीक है। अब SES का यूज कहाँ होता है? तो SES का यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। आप कहोगे कि सर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? तो ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन के दो कैटेगरी होती है, एक होती है सिंगुलर की, एक होती है प्लुरल की। सिंगुलर में कौन होता है, प्लुरल में कौन? सिंगुलर में देखो ही, शी, इट आता है और प्लुरल में आता है दे, ठीक है। तो हम मोटे मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि देखो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन है? ही, शी, इट, ठीक है, और थर्ड पर्सन प्लुरल कौन है? दे। यानी कि ही, शी, इट के साथ ही हमारा SES आएगा, वरना नहीं आएगा। तो मोटा मोटा आप इतना रख लो कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ एस और ES का यूज होगा, ठीक, और आई, वी, यू, दे और प्लुरल के साथ एस और ES का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे सेंटेंस की तरफ। तो अफर्मेटिव में क्या है? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। एक बड़ो जॉब सबसे पहले ना आपको थोड़ा मतलब इजी वे में देखो, वह खेलता है तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है वह, खेलता है, यानी कि रहेगा हमारा वर्ब, ठीक है, ये रहेगी वर्ब। अब देखो बच्चों, काम करना है हमें रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वह, तो वह को बोलते हैं ही, ठीक है। अगर लड़की होगा, लड़की होगी तो शी बोलना, ठीक है। वर्ब काम क्या हो रहा है? खेलना, तो ही प्ले, ठीक है। अब SES के बारे में आपको बताओ कि ही के साथ SES लगेगा कि नहीं लगेगा? तो देखो ही के साथ SES की यूज होगा, तो ही प्लेज, क्लियर है। ऐसा ही हमें करना है,
ध्यान देना, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यहां पर मैं हो गया सब्जेक्ट, अंग्रेजी हो गया ऑब्जेक्ट, पढ़ाता हूं यानी कि पढ़ाना, ये हो जाएगा वर्ब। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, हम इसको ऐसे लिखेंगे आई, आई क्या है देखो, आई कैसा लगेगा, एस एस नहीं लगेगा, तो आई टीच, एस एस यूज नहीं होगा, तो आई टीच इंग्लिश, क्लियर। नेक्स्ट, वह स्कूल जाता है, तो यहां पर सब्जेक्ट है वह यानी कि ही, तो ही के साथ एस एस लगता है ना, तो सब्जेक्ट क्या है, देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, वर्ब क्या है जाना यानी कि गो, और देखो ही के साथ एस एस यूज होता है, तो ही गो के साथ लग जाएगा गोज टू स्कूल, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव का मतलब नहीं, ठीक है। जैसे कि वह पढ़ता है, इसको नेगेटिव क्या बोलेंगे हम लोग, वह नहीं पढ़ता है। सीता हंसती है, इसका नेगेटिव क्या होगा, सीता नहीं हंसती है। मैं मोबाइल चलाता हूं, इसका नेगेटिव क्या होगा, मैं मोबाइल नहीं चलाता हूं, ठीक है। अब देखो इसका भी कुछ ना कुछ रूल होगा, इसका रूल है सब्जेक्ट, डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ये डू डज का यूज कहां होगा, तो डू का यूज होगा आई वी यू दे और प्लूरल के साथ, और डज का यूज होगा ही शी इट और सिंगुलर के साथ। डू का यूज कहां होगा, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ, डज का ही शी इट और सिंगुलर के साथ। देखो बच्चों, सबसे पहले जब भी कोई आपको सेंटेंस मिलेगा आपको उसकी पहचान करनी है, तो देखो वह नहीं पढ़ता है, लास्ट में क्या आ गया, ता है ना, और ता है को देखते ही हम समझ गए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, ठीक। वह नहीं पढ़ता है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह यानी कि ही। डू या डज, तो ही के साथ लगेगा डज, ही डज, फिर नॉट, पढ़ता है यानी कि पढ़ना, यहां पर वर्ब क्या है, पढ़ना यानी कि रीड या फिर स्टडी, तो ही डज नॉट स्टडी, ठीक है। राम और सोहन नहीं खेलते हैं, तो यहां पर देखो एक चीज, राम और सोहन ये तो प्लूरल हो गया, ठीक है, तो प्लूरल में क्या लगता है, डू। देखो इसलिए कह रहा हूं कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है, तो राम और सोहन ये तो प्लूरल हो गया, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग राम एंड सोहन। राम एंड सोहन, अब देखो ये तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल क्या लगेगा, डू, तो राम एंड सोहन डू नॉट प्ले, ठीक है। अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हमें यस या नो में देना होता है, जिनका आंसर हमें यस या फिर नो में देना होता है, उन्हें बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि कोई आपसे पूछता है क्या आप पढ़ाते हो, ठीक है, क्या कोई आपसे पूछता है कि आप क्रिकेट खेलते हो, तो इसका आंसर आप ये बोलोगे ना, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हाँ मैं पढ़ाता हूँ, ये नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, नहीं मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका भी एक रूल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये देखो स्टार्टिंग में आ गया डू डज, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, तो डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ये डू डज का यूज कहां करेंगे, तो देखो डू का यूज करेंगे आई वी यू दे और प्लूरल के साथ, और डज का यूज करेंगे ही सी इट और सिंगुलर के साथ, ठीक है। अब चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि डू लगेगा कि डज लगेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट है तुम, तुम का मतलब यू, यू के साथ लगता है डू, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, डू यू टीच इंग्लिश, ठीक है, और लास्ट लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क, इसे मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं। क्योंकि बेसिकली हम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं यहां पर, इस लगेगा यहां पर क्वेश्चन मार्क, यानी कि मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्या वह स्कूल जाता है, सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि ही, तो क्या लगाएंगे हम, डू, तो सॉरी डज, तो क्या आएगा, डज ही
गो टू स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क यानी कि मार्क ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट, क्या तुम मोबाइल चलाते हो, तो सब्जेक्ट है यहां पर तुम, ठीक है, यानी कि यू, यू के साथ क्या लगेगा डू, तो लिखेंगे डू यू यूज मोबाइल और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब चलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हमें यस या नो के अलावा कुछ और देना होता है, ठीक है। देखो इसका भी एक रूल होगा, तो इसका रूल क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली, डू डज सब्जेक्ट वर्क इज फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट लगेगा क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है, तो डब्ल्यू एच फैमिली कुछ वर्ड्स होते हैं, डब्ल्यू एच के अंदर कुछ वर्ड्स आते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट व्हाई हू वेयर हाउ व्हेन और भी होते हैं, ठीक है। अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल याद करने का तरीका, डब्ल्यू एच फैमिली पता ही है और बाकी पूरा आपका ये इंटरोगेटिव वाला पार्ट ही यहां पर लिख देना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं, वह क्यों क्रिकेट खेलता है, तो डब्ल्यू एच फैमिली के अकॉर्डिंग क्यों, और क्यों को बोलते हैं वाई, ठीक है, तो वाई। अब डू या डज, डू और डज कौन डिसाइड करता है, ये यहां से पता लगाएगा, ठीक है, डू और डज को कौन डिसाइड करता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह यानी कि ही के साथ लगेगा डज, तो वाई डज ही प्ले क्रिकेट, और फिर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क यानी कि मार्क ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट, हम कहां जाते हैं, तो कहां का मतलब वेयर, ठीक है, वेयर हो गया। डू या डज, तो डू और डज कौन हेल्प करेगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हम यानी कि वी, तो क्या क्या आएगा डू, तो वेयर डू वी गो और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और आपको वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाएं।